तारीखें नहीं मगर सीएम वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का ये दांव अब आगे किस तरह से एनडीए को जीत दिलाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इन सबके बीच जेपी नड्डा की ओर से नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर हर्ष व्यक्त किया गया, स्वागत किया गया, ये कहते हुए कि बिहार विकास की नई दिशा को छुएगा। सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, एक तरफ बीजेपी में हर्ष की लहर है, खुशी जिस तरह से बीजेपी नेताओं की दिखाई दे रही है, 2024 का एजेंडा आज से ही तय कर दिया है नीतीश कुमार ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से? बिल्कुल तय कर दिया है। और नीतीश कुमार अगर वाकई अपने इस फैसले की तरफ आगे बढ़े हैं, जो शपथ ग्रहण के बाद जिस फैसले पर मुहर लग गई, नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ वाले मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी माना जा सकता है चित्रा कि जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट शेयरिंग पर भी लगभग बात तय हो गई होगी। पत्ते अभी नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन कितनी कितनी सीटों पे आरजेडी और माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे, ये लोक जनशक्ति पार्टी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला लगभग सेट कर लिया गया है। और देखिए, जब ये सारी बातचीत हो रही थी उस वक्त ही दिल्ली में चिराग पासवान अमित शाह से मिलते हैं, पटना में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से नित्यानंद राय मिलते हैं, तो ये चीजें जो है वो इसी स्तर पे चल रही थी आगे। और मिशन जो है वो लोकसभा चुनाव है, बिहार में सरकार हासिल करना या सरकार में आना, सत्ता में आना, नीतीश कुमार को अपने साथ लाना या नीतीश कुमार के साथ जाना, जो भी कह लीजिए, लेकिन मकसद यही है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की पकड़ हो, एनडीए की जीत हो, और बीजेपी जो अपना पिछला प्रदर्शन है वो दोहरा सके। 40 में से 39 एनडीए के पक्ष में आए थे 2019 में, और इस बार भी बीजेपी कुछ वैसा ही करना चाहती है ताकि आंकड़े कहीं कम ना पड़े। जी बिल्कुल, और नीतीश ने राह आसान कर दिया। रोहित भी हमारे साथ आ गए हैं, और रोहित आपने तो बड़े करीब से वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें नड्डा जी और नीतीश कुमार दोनों आपस में खूब बातें किए जा रहे थे, उन तस्वीरों के क्या मतलब निकाले जाए? देखिए चित्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, बहुत महीनों के बाद इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, और नड्डा का नीतीश कुमार के साथ होना इस बात की ओर तस्दीक करता है कि अब रिश्ते जो हैं एक बार फिर से बेहतर करने की कोशिश यहां पर हो रही है। तकरीबन 20 मिनट तक जो ये मीटिंग चलती रही, मीटिंग कब होती है, जब बाकी के तमाम अलायंस पार्टनर जब चले जाते हैं वहां से, तब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार अकेले में बैठते हैं, 20-25 मिनट तक दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है। इस दौरान दोनों काफी मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं, और नीतीश कुमार अपने ट्रेडिशनल जरा हाथ को ऐसे घुमाते रहते हुए जब करते हैं, तो वो सब हो रहा था। नड्डा जी ने भोजपुरी में ये तो नहीं कहा कि अब कहीं मत जाइए, यहीं बनल रहिए? हो सकता है, नड्डा जी तो पटना के ही, यहाँ उन्होंने पूरा अपना जीवन बिताया है, लेकिन कोशिश यहाँ पर जरूर अब ये होगी कि एक बार अब नीतीश कुमार अब एनडीए में आ गए हैं तो अब एनडीए में बने रहे, क्योंकि देखिए बीजेपी को पता है कि नीतीश जरूरत है, और इसीलिए दोनों के म्यूचुअल यहाँ पे दोनों का फायदा होने वाला है, और इसीलिए नीतीश जब आते हैं तो बीजेपी मजबूत होती है यहाँ पे। और अब इसलिए दावा किया जा रहा है नड्डा साहब की तरफ से या बीजेपी के नेताओं से कि अब लोकसभा में 40 में से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है, इसका दम भरा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित, आपका तो दम भरा जा रहा है क्लीन स्वीप का। लेकिन इन सबके बीच विपक्षी दलों ने पलटू राम कहकर नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जंगल राज से परेशान होकर नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए हैं, नए अध्याय की बिहार में इसी साथ हो गई है शुरुआत, और 2024 में अब की बार क्लीन स्वीप बिहार में। जीवन भर
हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। बशीर बद्र का ये शेर इन तस्वीरों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कहां तो आवाजें आ रही थी कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की सारी खिड़की सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन विरोध की आवाजों के बीच मोहब्बत का ऐसा गुल खिला कि नीतीश से फिर से दिल मिला। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। निदा फाजली लिख गए हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखो कई बार देखना, मगर नीतीश कुमार को देखने वाले 10-20 नहीं 50-60 बार भी देख ले तो भी यकीन से नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी। अब बीजेपी सब किए धरे का ठीकरा आरजेडी पर फोड़ रही है कि आरजेडी के लोग लगातार काम करने भी नहीं दे रहे थे और उनके द्वारा जो 15 वर्षों का शासन काल उनका था और जो रवैया उस 15 वर्षों के शासन काल में जंगल राज जो स्थापित हुआ था उसी प्रकार के जंगल राज की कोशिश आरजेडी के द्वारा किया जा रहा था। बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। राहत इंदौरी ने लिखा था कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कह सकते हैं कि सच ही कहा था, किरदार नए आ गए हैं। जो विपक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, जो सत्ता के सारथी थे वो विपक्ष में आ गए हैं। अब सत्ता मिली है तो अब सत्ता तक पहुँचने की वजह बताई जा रही है। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के मुखिया हैं। एक वो जमाना था जब उन्होंने पग बांधी थी। क्यों बांधी थी, क्या थी वो शपथ, एक बार सुन लीजिए। ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है, पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगा। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथी हैं, मगर उनका ये पलटना राजनीति के धुरंधरों को रास नहीं आ रहा, वो वैसी हमलावर है। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है, अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न इतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे। हमेशा की तरह नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और पलटी मार के भी उन्होंने सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर बोला। अब कांग्रेस क्या कह रही है वो भी तो सुन लीजिए। पलटी मारना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, ये तो सब ड्रामा है। भोकलाई हुई है बीजेपी, प्रधानमंत्री इसके सूत्रधार तो प्रधानमंत्री ही है और बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी तो सूत्रधार ही है और बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री। हैरानी होती है कि नीतीश कुमार की राजनीति सब जगह सटीक बैठती है, इतनी बार पलटी मार चुके हैं, बावजूद इसके वो जिसके साथ भी जाना चाहते हैं वो खुशी खुशी उन्हें अपना साथी बना लेता है। कुछ भी कहिए मगर सच यही है कि बिहार में अब एनडीए की सरकार है और हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है।
शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।